नमस्कार दोस्तों, मैं नाम विवेक कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट एंड इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, ये जो चीज है इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये बेसिकली आपके घर में जो बेसिन होते हैं उसके नीचे में लगे होते हैं, साथ में जो आपके वेस्टर्न कमोड होते हैं, इंडियन टॉयलेट सीट होते हैं वहां पे भी ये लगे होते हैं। उसके बाद में जो आपके बाथरूम में जो गीजर होते हैं वहां पे भी ये लगे रहते हैं। एक आपका इनलेट में लगा होता है, एक आपका आउटलेट में लगा होता है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो है जब हम यूज करते हैं कुछ दिन के बाद में ये ऑटोमेटिक लीक होने लगता है, यानी कि खराब हो जाता है। कई बार तो पानी यहाँ से आपका लीक होने लगता है, कई बार ऐसे भी होते हैं कि यानी कि आपका नल बंद है फिर भी वहां पे प्रेशर बना रहता है और ये जो है आपका लीकेज जो है होते रहता है। हम लोग जब अपना मकान बनवाते हैं तो बहुत महंगे महंगे इसको खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई हमारे जो बाथरूम है, हमारे जो टॉयलेट रूम है, उसका एक लुक जो है अच्छा लग सके, महंगे महंगे टाइल्स लगवाते हैं। अब होता क्या है कि फ्रेंड्स, जब ये हमारा लीक हो जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। अब हम लोग प्लम्बर को बुलवाते हैं, एक छोटी सी चीज़ जो है एक रिपेयर करवाने के लिए प्लम्बर को बुलवाना पड़ता है। कहीं ना कहीं जब हमारे प्लम्बर आते हैं तो वो हमसे 200-400 उसका जो चार्ज होता है, 200-400-500-600 जो चार्ज होता है एक एंगल कॉक को रिपेयर करने के लिए, वो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमारा एंगल कॉक है इसको हम लोग एंगल कॉक बोलते हैं। इस एंगल कॉक को आप खुद से भी घर में रिपेयर कर सकते हैं, मात्र कितने में, मात्र 60 रुपये में। फ्रेंड्स, मात्र 60 रुपये या 80 रुपये में आप इसको आसानी से घर में रिपेयर कर सकते हैं। कैसे रिपेयर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके लिए मैंने एक नया पीस निकाला है, अभी इसका ये कवर है, मैंने नया पीस निकाला है। अगर आप ये जैक्वार का, सोनेट का लेते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि प्लम्बर जब आएंगे आपके घर पे तो बोलेंगे रिपेयर ना करके, मतलब एक आलस के कारण वो बोलेंगे अरे इसको तो बदलना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये जो आपका पुराना हो गया वो भी इसमें ख़राब कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये तो वैसे एक लोकल कंपनी है, कंपनी नहीं है वैसे, ये लोकल प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये हमारे कंपनी का है। इसके पीछे क्या होता है कि एक ऐसा कवर लगा होता है, जैसे कि मैंने एक सिंक कॉक को कैसे रिपेयर करते हैं उसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाया हुआ था, मेरे चैनल पर डाला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। अगर आपका सिंक कॉक खराब है तो उसको देख के आप रिपेयर कर सकते हैं। ये जो है इसमें पीछे कवर होता है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं पीछे में एक कवर सा रहता है। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसके कवर को निकाल लेंगे। ये हमारा कवर निकल गया, काफ़ी पिद्दू सा कवर होता है, छोटा सा रहता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, इसके अंदर में एक स्क्रू होता है और ये जो है हमारा एलन की है, इसको हम लोग एलन की बोलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं एलन की। जब आप लोग महंगे महंगे नल खरीद के लाते हैं अपने घर पे तो उसके बॉक्स में ये एलन की जरूर होता है, तो इसको संभाल के रखिएगा। एलन की मदद से इसके स्क्रू को हम लोग खोल लेंगे। कई बार ये टाइट होते हैं, लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें ये हमारा स्क्रू जो है खुल गया, दोनों साइड से आप खोल सकते हैं। उसके बाद में ये देख, अरे रुक जा भाई, ये देखिए बहुत पिद्दू सा है, ये हमारा स्क्रू खुल गया। उसके बाद में ये आराम से निकल गया, रहता कुछ नहीं है। कई बार ये टाइट रहता है तो उसको कस के खींचेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। इसमें भी कोई मदरबोर्ड चिप वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, प्लेन है। और उसके बाद में ये जो है ये इसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, इसको भी मैं खोल के दिखाता हूँ। मेन आपका जो खराब होता है यहीं पर ख़राब होता है, ये वाला पार्ट। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रिंच की मदद से, रिंच अगर नहीं है आपके घर में तो एक खरीद लीजिए, छोटा मोटा रिंच आपके घर में रहना चाहिए। प्लास है, प्लास को भी एक ले लीजिए, प्लास पेचकस वैसे हर घर में रहता ही है, नहीं है तो बाइक होगा, बाइक में से निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये देखिए ये आपका डिस्क है, कई लोग इसको स्पैंडल भी बोलते हैं, कई लोग इसको डिस्क भी बोलते हैं। बाकी इसके अंदर में भी आप देख सकते हैं कोई मदरबोर्ड, कोई ऐसा फिलामेंट या कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ है, बहुत एकदम सिंपल है। इसका वैसे पेट बहुत मोटा है, ऐसा लग रहा है किसी कोई इंसान का पेट है। उसके बाद में देख सकते हैं ये कुछ एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ये आपका 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया अलग अलग मार्केट के ऊपर में ये डिपेंड करता है, ये आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। करना क्या है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप बिना इसको लिए मार्केट चले जाइएगा, इसको आपको लेके ही जाना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। मार्केट जाने के बाद में आप उनको बताइएगा कि मुझे ऐसा वाला ये जो है दे दीजिए। आप देख सकते हैं मेरे पास में कितना है, ठीक है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, दो डिजाइन आते हैं, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो है आपका ये और एक जो है, दोनों आप यहाँ पे फर्क देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। एक जो है ये बीच में कटिंग रहता है और एक जो है यहाँ पे ये सिंपल है, अब आपको पता चल गया होगा। तो जो इसमें से निकला है सेम आपको मार्केट से खरीद के लेके आना है। अभी देखिए यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ये जो है मैच कर रहा है, इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे। ये लीक क्यों करता है वो भी मैं बता देता हूँ। कई बार होता क्या है कि ये जो रबर है ये रबर कट जाता है, इसके वजह से लीकेज आती है। और कई बार क्या होता है कि जब हाई प्रेशर रहता है टंकी का, या कई बार ऐसा होता है कि जो आपका गीजर है, गीजर यूज करते समय जब आपका काफ़ी मतलब गर्म पानी होता है तो कुछ समय आने के बाद में ये अपने आप फट जाता है, क्रैक कर जाता है जब पुराना हो जाता है। तो ये हम खरीद के लेके आएंगे। उसके बाद में ये तो इसमें से निकला था, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने साइड में रख दिया।
ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसमें टाइट कर देंगे। ये मैंने इसको टाइट कर दिया, इसको रिंच की मदद से ये टाइट कर देना अच्छे से। इतना भी ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, पूरा दम नहीं लगाना है, एड़ी चोटी का दम मत लगा दीजिएगा क्योंकि बहुत पिद्दू सा है, ज़्यादा दम नहीं लगाना है इसमें। दम लगाने पे होगा क्या कि फट जाएगा। अरे भाई एक्चुअली रिंच जो है मेरे से मांग मांग के मिस्त्री ले जाते हैं, जिसके वजह से पानी में यूज करते हैं और उसके वजह जंग लगा दिए हैं, तेल वगैरह कभी डालते नहीं इसलिए खराब हो गया। ये हमारा टाइट हो गया। उसके बाद इसके कवर को एकदम 90 डिग्री ये हमें सामने में रखना है ऐसे, और ये एकदम स्ट्रेट आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पे इसको रख के। अरे भाई आ जा। ओ ऐसा था। इसको हमें क्या करना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट हो रहा है, इसको हम हाथ से कट लेते हैं ठीक है। इसको 90 डिग्री पे ऐसे रखने के बाद में वापस से इसका स्क्रू जो है एलन की मदद से इसके स्क्रू को हम उठा लेंगे। एक मिनट, नीचे गिर गया, मैं इसको उठा लेता हूँ। ये देखें बहुत छोटा सा रहता है, कभी भी इसको निकाल के आराम से कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लगे लगे में कीजिएगा आपका नाली में ये स्क्रू गया, उसके बाद में कोई उपाय नहीं है, फिर ये स्क्रू मिलेगा भी नहीं बाजार में ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अभी किस तरीके से गिरा था, मेरा तो यहाँ पे गिर गया तो मिल गया। इसको हमें अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। ये हमारा टाइट हो गया, उसके बाद में इसके कैप को लगा देंगे प्यार से, और उसके बाद में ये जो है हमारा कंप्लीट किया, देखिए काफ़ी अच्छा हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब आप भी जो है अपना पैसा बचा सकते हैं, प्लम्बर का जो खर्च है वो भी बचा सकते हैं, और इसका यानी कि ये जो आपका एंगल कॉक का जो खर्च है वो भी आप बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये अगर महंगे दाम के जो आते हैं वो आपका 300, 400, 500, 800, 1000 रुपये सब रंग के आते हैं, ये आपका 100 रुपये का आता है, 100 या 80 रुपये में आ जाता है, ये लोकल वाला है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो देख के अब आप लोग भी सीख गए होंगे, अब आप लोग भी अपने घर पे इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सैनिक हार्डवेयर पेंट एंड इलेक्ट्रिक। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।